फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने सीखा कैसे दो डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे तीन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी 100 से लेके 1000 तक के नंबर का स्क्वायर निकालना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आप देखने वाले हैं नंबर 100 से 1000 तक का स्क्वायर आप कैसे 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो लीजिए, ये है कुछ सम्स जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। तो मैंने ये चार सम्स हैं जो आपके सामने निकाल के रखे हैं। 117 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 970 का स्क्वायर और 980 का स्क्वायर। तो चलिए पहले हम इन दोनों का स्क्वायर निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे 117 का स्क्वायर। वो इस प्रकार रहेगा, जब भी स्क्वायर निकालते हैं तो पहले ये बात की आप पुष्टि कर लें कि आपका जो नंबर है वो 100, 200, 150, 300 ये नंबर से कितना क्लोज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका ये जो नंबर है 117 और ये 115 वो 100 के नज़दीक है, तो आपका ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है और कितना कम है ये आपको फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। ये सब में आपने ये फाइंड कर लिया तो आपका आंसर ऐसे आ गया। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम देखेंगे 1117 ये नंबर, इसको पहले आपको कन्वर्ट करना है 100 के इसमें। तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम इसमें करेंगे -17 और हम जो नंबर माइनस करेंगे वही नंबर आगे जाके ऐड करेंगे। इसमें हमने किया है -17 100 के लिए, तो हम +17 आगे इसको ऐडअप करके रखेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हमने किया 1117 -17 दैट कम्स टू 100। आगे देंगे हम मल्टीप्लाई का सिग्नेचर, उसके बाद 17 जितना हमने माइनस किया है उतना हम प्लस करेंगे, यानी 117 +17 दैट कम्स टू 134। इसके बाद हमें जो ये 17 आया है हमें उसका स्क्वायर लेना है। ये 17 का हमें स्क्वायर लेना है, जो आंसर आता है उसका स्क्वायर लेना है। तो 17 का स्क्वायर आता है 289, जो हम नीचे साइड में एक कॉर्नर में लिख के रखेंगे। तो हमने कॉर्नर में 289 17 का स्क्वायर लिख के रखा है। अभी हमारे यहाँ पे 100 है, हमें ये दो ज़ीरो कैंसिल करने हैं, तो इसके लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे 1000 होता तो हम नीचे रखते 1000, अगर यहाँ पे 10 होता तो हम नीचे लिखते 10, क्योंकि हमें ये दो ज़ीरो जो है वो कैंसिल करने हैं। इसके लिए हम जो दो ज़ीरो है उस हिसाब से हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो इस प्रकार हमने 100 नीचे मेंशन कर दिया है। अभी हम ये दो ज़ीरो कैंसिल कर देंगे और ऊपर के भी दो ज़ीरो कैंसिल कर देंगे। तो अभी हमारे पास बचता है 1, 134 अपॉन 1, 1 × 134 दैट कम्स टू 134। अभी हमने दो ज़ीरो कट किए हैं, तो इसका मतलब हमें नीचे से सिर्फ ये दो नंबर, जी हाँ, जो हमने 17 का स्क्वायर निकाला था उसके सिर्फ ये दो नंबर लेने हैं अपने सम में। तो देखिए, हमने ये जो लास्ट टू नंबर है 89 वो हमने लिख दिए हैं। अभी हमें ऊपर का नंबर जो है 134 वो एज इट इज़ लिखना है 134, लेकिन ये जो टू है वो ये हमारे लास्ट नंबर में एडअप करके लिखना है। तो नंबर आएगा 1, 3, 4 + 2, 6, 8, 9। तो लीजिए दोस्तों, आ गया आपका 117 का स्क्वायर। बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैं आपको फिर से एक बार समझाती हूँ क्या करना है, कैसे करना है। आप देख के ही समझ जाएंगे ये कैसे करना है। तो हमने क्या किया, पहले 117 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 17 माइनस किया और
बाद में हमें 17 जितना हमने माइनस किया है उतना ही हमने 117 में प्लस किया तो हमें मिला 134। आगे दो ज़ीरो होने की वजह से हमने 100 डिवाइडेशन के लिए लिया, जिसके हिसाब से हमें दो ज़ीरो कट करने में आसानी हुई। उसके बाद जो 17 है उसका हमने स्क्वायर रूट नीचे साइड में निकाल के रखा। ये स्क्वायर रूट के हिसाब से हमें जो नंबर मिला है वो है 289। हमने दो ज़ीरो कैंसिल किए हैं, इसका मतलब जो हमें स्क्वायर मिला है 117 का उसके लास्ट के दो नंबर हम अपने सम में ले लेंगे। तीसरा जो नंबर होगा वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने 134 में। तो 134 प्लस 2 दैट कम्स टू 136। तो ले लीजिए, आपका आंसर आ गया है। मैं और एक सम दिखा के आपको बताती हूँ ये कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा अगला जो सम है वो है 115 स्क्वायर। हम सेम करेंगे, यहाँ पे 115 है तो हमें इसको 100 में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले करेंगे माइनस 15, उसके बाद जितना हमने माइनस किया है उतना ही हम ऐड करेंगे, वो इस तरह से। तो ये देखिए, हमने किया है 115 माइनस 15 दैट कम्स टू 100 मल्टीप्लाई का सिग्नेचर, एंड 115 प्लस 15 कितना होता है दोस्तों? जी हाँ, 130। तो हमने 130 ले लिया है। अभी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से ताकि हमारी ये जो दो ज़ीरो है वो कैंसिल हो जाए। मैं आपको एक बार और बताती हूँ, अगर यहाँ पे तीन ज़ीरो आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे 1000 से, अगर यहाँ पे एक ही ज़ीरो है तो हम डिवाइड करेंगे 10 से। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब हमें 15 का स्क्वायर निकालना है। 15 का स्क्वायर आता है 225, जो हम लिखेंगे यहाँ पे। हमने दो ज़ीरो कैंसिल किए हैं, इसका मतलब हम सम में 225 के लास्ट के टू नंबर्स ले लेंगे। तो हमारा ये आंसर ऐसे हो जाएगा, हम लिखेंगे 25 पीछे 130 में 2 ऐड अप करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 13225। हमने 25 एज इट इज़ ऐसे कैसे लिया, 130 में हमने ये जो 2 है उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया, 132 हो गया और आपका आंसर मिल गया 13225। है ना, बहुत इजी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ 1000 के करीब के सम। जी हाँ, 1000 के करीब के सम, ये देख लीजिए, जिससे आप कोई भी 100 से लेके 999 तक के सम सॉल्व कर सकते हैं। ये सम कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे हमें 1000 को राउंड फिगर करना है, इसके लिए हमने 970 प्लस 30 किया है एंड देन 970 माइनस 30 किया है, तो आपको यहाँ पे 1000 का अमाउंट आ जाएगा। आपका आंसर मिला 970 प्लस 30 दैट कम्स टू 100। हमने 970 में से 30 माइनस किए तो हमें मिले 940। हमें 30 का स्क्वायर निकालना है, 30 का स्क्वायर हमें मिलता है 900। हमने ऊपर हमारे पास 1000 है, तीन ज़ीरो है, तो नीचे भी हम क्या करेंगे, तीन ज़ीरो ही लेंगे डिवाइडेशन के लिए। अभी हमें मिला है नीचे तीन नंबर, तो हम ये नंबर एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ दो नंबर मिला था, इसके लिए हमने ये दो नंबर लिख के आगे कैरी फॉरवर्ड किया था, लेकिन अभी हमारे पास तीन नंबर मिल चुके हैं तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है दोस्तों। देख लीजिए कैसे, देखिए अब बचा है नंबर 1 × 940 और 900। तो हम क्या करेंगे पता है आपको, हमने किया 940 एज इट इज़ नीचे लिखा और 900 उसके बाजू में, और ये आ गया आपका 970 का स्क्वायर। जी हाँ, सबसे बड़ा आसान तरीका यही है स्क्वायर निकालने का। मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ, 970 हमें 1000 में कन्वर्ट करना था, इसके लिए हमने 970 प्लस 30 किया, जो हमने नंबर प्लस किया है वो हमने माइनस किया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 970 माइनस 30 आता है 940। हमारे यहाँ पे 30 है, इसके लिए हमने 30 का डिवाइडेशन रखा, 30 का हमने स्क्वायर निकाला 900। यहाँ पे हमने 30 कैंसिल किए हैं तो जो हमारे स्क्वायर के नंबर्स है
उसमें हमें जो 3 नंबर्स मिले हैं वो एज इट इज़ हमने उसमें वैसे ही लिए हैं, और जो हमारा बचा हुआ नंबर है 940 वो हमने लिख दिया है। और यह आ गया आपका आंसर। सेम सम मैं आपको और एक करके दिखाती हूँ जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे है 980, तो हमें क्या क्लियर करना है, +20 -20, 980 + 20 दैट कम्स टू 1000, 980 - 20 दैट कम्स टू 960 डिवाइड बाय, यहाँ पे 1000 है तो हम 1000 लेके डिविडेशन डिवाइड करेंगे एंड देन हमें 20 का स्क्वायर निकालना है। देखिए इसका आंसर तो ये रहा 1980 + 20, 1000 - 20 - 20 960 अपॉन 1000, हमने 20 का स्क्वायर निकाला 400। अब हम क्या करेंगे, इस 3 ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे और जो आंसर बचा है उसको एज इट इज़ वैसे के वैसे लिख देंगे हमारे स्क्वायर्स के साथ। तो ये देखिए आपका आंसर मिल गया 960 और 400, क्योंकि इसमें हमने 3 ज़ीरो माइनस किए हैं, कैंसिल किए हैं, इसके लिए हमने ये 400 एज इट इज़ वैसे के वैसे लिख दिया। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि अरे हमने तो ये सम में पहले माइनस किया था उसके बाद प्लस किया था, फिर ये सम में हमने पहले प्लस और माइनस क्यों किया। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपको ये जो नंबर दिए हैं वो 100 से ज़्यादा थे, तो आपको ये नंबर 100 से कम लाने थे, इसके लिए हमने -15 करके 100 कंसीडर किया, और प्लीज़ जो ये प्लस साइन है उसमें 100 में 115 और +15 करके 130 लिखा, लेकिन इसमें 1970 के हिसाब से 30 प्लस होने से 1000 मिलेंगे, तो हमने 970 प्लस 30 किया 1000 के लिए। यहाँ पे हमने जो नंबर ऐड किया है हमें वो नंबर माइनस करना ज़रूरी है, इसके लिए यहाँ पे हमने पहले प्लस करके 970 में से -30 करके यह आंसर निकाला है। सेम यहाँ पे हमने पहले 20 प्लस किया है तो हमें 1000 मिला है, एंड देन हमने 20 निकाला इसमें से तो हमें 960 मिला है। तो ये नंबर में और ये नंबर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको पहले, अगर आपके 100 से नंबर ज़्यादा है तो आपको पहले माइनस करना है उसके बाद प्लस करना है, और अगर आपका नंबर कम हो तो पहले प्लस करना है और ये सेम नंबर से वो नंबर माइनस करना है। ये छोटी सी ट्रिक है दोस्तों जो आपको मैं बता रही हूँ, प्लीज़ आप अपने पास ये चीज़ संभाल के रखिए। स्क्वायर्स के बारे में तो हमने बहुत कुछ सीख लिया है, मैं आपको कुछ सम बताती हूँ जो आपके रूट फॉर्म फाइंड करने में आपकी हेल्प करेंगे। जी हाँ, आपके रूट फॉर्म फाइंड करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो पहले मैंने ये लिए हैं 2 सम्स जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी आपको क्या करना है, जब भी आप सम सॉल्व करते हो तो उसके बाजू में स्क्वायर्स 1 to 11 तक लिख के रखिए। जैसे मैंने लिखा है 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, वैसे ही 11 का स्क्वायर है 121। वैसे मैंने सारे स्क्वायर टेबल के हिसाब से लिख के रखे हैं, हमें सिर्फ 11 तक के ही स्क्वायर निकालने हैं, ज़्यादा स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ 11 के स्क्वायर तक ही हमें यूजेबल मिलता है। तो पहले हम बनाएंगे ग्रुप। ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर है तो लास्ट के 2 नंबर का एक ग्रुप बनाइए और स्टार्टिंग के 1 नंबर का एक ग्रुप, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है 84 और 4, तो हमने ऐसे अलग अलग 2 ग्रुप बनाए हैं। सेकंड आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपके सम का जो लास्ट नंबर है वो इनमें से किसके स्क्वायर का लास्ट नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका ये नंबर है 4, तो ये हमें मिला 4 के इसमें 2 2 2 का स्क्वायर आता है 4, और हमें मिलता है 8 के स्क्वायर में 64 का लास्ट नंबर है 4। तो हम ये 2 नंबर जिसका हमने स्क्वायर निकाला है वो लिखेंगे, यानी 2 और आएगा 8, तो हम 4 के इधर लिखेंगे 2 और 8। इसके बारे में आपको थोड़ी देर में मैं बताती हूँ, पहले हम लिखेंगे ये 4 नंबर का हम कैसे रूट फॉर्म करते हैं। हम देखेंगे कि ये जो 4 नंबर है वो इनमें से
किसके स्क्वायर के बीच में आता है तो हमें 4 डायरेक्टली मिलता है 2 का स्क्वायर, तो हम ये 4 के नीचे 2 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर है उसको उसके आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट कम्स टू 6। अभी हमें ये जो आंसर मिला है इसके 6, वो हम देखेंगे किसके नंबर में बीच में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आता है बीच में 4 और 9 के बीच में, ठीक है। तो ये 6 है, हमारा जो नंबर है वो है 4। ये जो 4 नंबर है ये 6 नंबर से छोटा है, जी हाँ, ये 4 नंबर ये 6 नंबर से छोटा है। तो हमने जो स्टार्टिंग में किया था 4 नंबर का डिवाइडेशन 2 और 8 के बीच में, तो अगर आपका ये नंबर आपके फाइंड किए गए नंबर से छोटा रहेगा तो आपको लेना है ये नंबर, और अगर आपका ये जो नंबर है आपके फाइंड किए गए नंबर से बड़ा रहेगा तो आपको लेना है ये नंबर। तो हम ये लेंगे क्योंकि हमारा 4 6 से छोटा है, तो हम लेंगे स्मॉल वाला नंबर जो है नंबर 2। तो लीजिए दोस्तों, आ गया आपका 484 का रूट। जी हाँ, 484 का रूट निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ जो मैंने किया है। यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे सम लिया जिसके हमने 2 ग्रुप्स बनाए। 3 डिजिट का सम होने की वजह से हमने लास्ट के 2 नंबर्स का एक ग्रुप बनाया और तीसरे नंबर का अलग ग्रुप बनाया। उसके बाद आपके सम का जो लास्ट नंबर है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है वो हमने देखा। जैसे कि आपका जो ये लास्ट नंबर है वो है आता है 4 स्क्वायर के यहाँ पे 4 नंबर, और ये दूसरा आता है 4 यहाँ पे, तो ये आता है 2 के स्क्वायर के यहाँ पे और 8 के स्क्वायर पे यहाँ पे। तो हमने लिखा 2 नंबर और 8 नंबर, जिसका जिसका स्क्वायर है, जिसके स्क्वायर के लास्ट में आपका 4 नंबर आता है वो उसका स्क्वायर हमने इधर लिख दिया है। उसके बाद हमने अपना फर्स्ट नंबर लिया। फर्स्ट नंबर हमने फाइंड किया कि ये कौन से स्क्वायर के आंसर के बीच में आता है। जी हाँ, जैसे कि 1/1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9। हमें क्या चाहिए, 4। तो अगर हमें 4 चाहिए तो ये 4 हमें कहाँ पे मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 आया इसलिए हमने एज इट इज़ 2 लिया। लेकिन अगर यहाँ पे 3 होता तो हम लेते जो भी छोटा नंबर है वो, यानी हम 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते। लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए हमने 2 का स्क्वायर 4 है तो हमने एज इट इज़ 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हमने 2 ले लिया है यहाँ पे। अभी जो हमें यहाँ पे आंसर मिलता है उससे उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक आंसर आएगा। जैसे ये 2 आया, 2 × 3 मैंने किया, 6 आंसर आया। अभी जो आपका एक्चुअल नंबर है 4, वो जो हमने निकाला है वो नंबर से अगर छोटा होता है तो ये ऊपर वाला नंबर छोटा नंबर लेंगे। अगर आपका ये एक्चुअल नंबर आपके आंसर से बड़ा आया तो हम ये नीचे वाला बड़ा नंबर लेंगे। कोइंसिडेंसली हमारा ये नंबर छोटा है तो हम ये नंबर आगे ले लेंगे और आपका ये रूट फाउंड हो जाएगा। इसको आसान बनाने का और एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ यहाँ पे 4 है, आपने देखा है कि 4 2 का स्क्वायर है तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो आपको क्या करना है, इसका जो टोटल है वो हमेशा आपका 10 आता है। जी हाँ, इसका टोटल हमेशा आपका 10 आता है, यह आप हमेशा बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 आया तो आप आँख बंद करके यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे 1 आया तो आप यहाँ पे 9 लिख दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगले समय मैं आपको बताती हूँ सेम ये जैसे 10 का टोटल कैसे आता है, ये ले लीजिए। अभी ये हमारा अगला सम है 289। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेम 2 ग्रुप्स बनाएंगे। मैंने बनाया 89 का एक ग्रुप और बनाया 2 का दूसरा ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, 9 कौन से नंबर में आता है वो देखेंगे। अभी देखिए ये जो 9 है वो आया 3 केस में, तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया 3। मैंने जैसे आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका टोटल 10 बनाना है, तो 3
प्लस सेवन डैट कम्स टू टेन। अभी जो मैंने यहाँ पे सेवन लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ इसका आपको प्रूफिंग कि ये मैंने जो सेवन लिखा है वो सही है कि गलत है। अब देखिए स्क्वायर सेवन का स्क्वायर आया ना 49, उसके पीछे आया ना 9, हमें यहाँ पे मिला 7। इस हिसाब से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा पहला कैलकुलेशन तो डन हुआ। हमारा दूसरा नंबर जो है वो है नंबर 2। अब हम ये नंबर 2 देखेंगे किसके बीच में आता है। यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 4। 1 और 4 के बीच में नंबर 2 आता है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर। छोटा नंबर आपका क्या है, 1 इंटू उसके आगे का नंबर जो है 2 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2। तो जैसे ये 2 हमें मिला इन दोनों नंबर के बीच में, तो हम लेंगे छोटा वाला नंबर जो है नंबर 1, ठीक है। और फिर हमारा दूसरा नंबर है 2, तो 2 देखिए 2 और 2 ये दोनों नंबर सेम मिले, ना ही ये छोटे हैं ना ही ये बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा ये जो दो नंबर है वो सेम रहते हैं तो हमारे पास जो ये बड़ा वाला नंबर आया है हम वो एज इट इज़ लिख देंगे। ये लीजिए आपका आ गया रूट फॉर्म, ये है 289 का रूट 17। जी हाँ, इस हिसाब से आप अपने सारे सम्स सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझने के लिए और एक नंबर मैं आपको बताती हूँ। सेम जैसे हमने किया है दो ग्रुप्स बनाइए, लास्ट का नंबर देखिए कौन से अमाउंट के स्क्वायर में लास्ट नंबर है। जैसे कि हमें मिला 4 का स्क्वायर है 16, 16 का लास्ट नंबर है 6, तो हमने इसका डिवाइडेशन किया, हमने यहाँ पे लिखा 4 और इसमें सेकंड नंबर आया है 6। हमारा इसका टोटल भी होता है 4 प्लस 6 10, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, हमने लिखा 4 और 6। सेकेंडली हम क्या करते हैं, हम करेंगे 5। ये नंबर किसके बीच में है, तो ये आता है 4 और 9 के बीच में। तो जो भी बीच में नंबर आता है उसमें से हम छोटा नंबर लेंगे, यानी हम लेंगे यहाँ पे 2। उसके बाद 2 को हम उसके आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 5 6 ऐसे आगे का नंबर। तो 2 का आगे का नंबर है 3, तो 2 × 3 डैट कम्स टू 6। 5 ये नंबर 6 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, लेंगे स्मॉल वाला नंबर। ये लीजिए 576 आ गया आपका रूट 24 का। अब मैं आपको बताती हूँ 4 और 5 नंबर के सम के रूट्स कैसे निकालने हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सेम फॉर्मेट जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करना है, लेकिन इसमें आपको बनाने हैं 2 ग्रुप्स, 2 नंबर का एक ग्रुप और 2 नंबर का दूसरा ग्रुप। उसके बाद सेम प्रोसीजर, हमें यहाँ पे निकालना है 10 का नंबर, 4 कौन से इसमें है, 4 है 2 में और देखिए 8 में, इसका टोटल 2 में और 8 में इसका टोटल आ गया है 10। अभी हम क्या करेंगे, पहले सम में हमने सिर्फ एक नंबर का ग्रुप बनाया था, इसके लिए हमने सिर्फ एक नंबर लिखा था। अभी ये हमारे 2 नंबर का ग्रुप है तो हम लेंगे 2 नंबर। हमारे पास है 51, तो देखिए 51 किस नंबर के बीच में आता है, 51 आता है 49 और 64 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, 49 और 64 के बीच में आता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा नंबर लेंगे। छोटा नंबर आया 7। सेम हम करेंगे 7 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया हमारा नंबर 56। जी हाँ 56। तो 51 56 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। हमें यहाँ पे 51 56 से छोटा मिला तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे छोटा वाला नंबर। तो ले लीजिए दोस्तों, आपको मिल गया आपका आंसर। सेम प्रोसीजर हमें ये 5 नंबर के डिजिट में करनी है, जिसमें आपको लास्ट के 2 नंबर्स का ग्रुप बनाना है। लेकिन
अभी आप याद रखिएगा कि 5 नंबर में जितने भी बचे हुए नंबर हैं उनका एक ग्रुप बना दीजिएगा जी, उनका एक ग्रुप बना दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, 9 जिस जिस टेबल में आता है वो लिखिए, जैसे 3 लास्ट में नंबर आया और उसके बाद 3 है तो यहाँ पे आएगा 7, आग बंद कर दिए, लिखिए आपका आंसर राइट है, बिकॉज 7 के लास्ट में आता है, 7 के स्क्वायर के लास्ट में आता है 9। अब हम क्या करेंगे, 106 ये कौन से नंबर के बीच में आते हैं, 10 का स्क्वायर है 100, 11 का स्कोर है 121, तो ये 100 और ये 121 के बीच में आता है 106, तो हमें 10 लिखना है क्योंकि 106 स्मॉल नंबर्स हम ले गए, तो हमने यहाँ पे लिखा 10। हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है दोस्तों, आंसर मिला 110। 106 110 से छोटा है तो हम क्या लेंगे, स्मॉल नंबर जो कि है 3, और ये आपका फॉर्म हो गया रूट का आंसर। तो दोस्तों देखिए बहुत इजी है, बहुत आसान है, अगर आपको कोई सवाल पूछना है या फिर आपको कोई परेशानी है समझाने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच, बी सेफ, गुड बाय।